आपको पता है नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि का क्या अर्थ है? और क्या आपने कभी टिकारी वाली काली माता जी की आरती अटेंड की है? अगर की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर कभी आरती अटेंड नहीं की हो तो व्लॉग में एंड तक के ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश सरले एक बार फिर हूँ आपके समक्ष एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आज हम महाकाली जी की आरती में जा रहे हैं, और जिन भाइयों व बहनों का ये आरती में जाना नहीं हो पाता है तो डोंट वरी, आपका भाई है ना, आप भी हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए और ये महाआरती का लाभ उठाइए। अच्छा, आपको मैं नवरात्रि का अर्थ बताता हूँ। नौ मतलब नौ, रात्रि मतलब रात, तो नौ दिन की लंबी लड़ाई जीतने का उत्सव नवरात्रि है। दरअसल हुआ यूं था कि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मनुष्य या देवता नहीं मार सकता। तभी देवी ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर सभी देवी देवताओं के दिव्य हथियारों से लैस होकर उन्होंने नौ दिनों और रातों तक राक्षसों से युद्ध किया, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और दसवें दिन राक्षस का वध करके देवी की जीत हुई, तो उस दिन को हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, जिसे हम दशहरा कहते हैं। वैसे तो नवरात्रि तभी सफल है जब हर लड़की टाइम आने पर दुर्गा बन जाए, चाहे काली बन जाए, या हिंदू शेरनी बन जाए, या झांसी की रानी बन जाए, पर उसे कोई घूर के देखे तो उसकी आँखें निकाल ले। और कभी ये लव जिहाद में ना पड़े, तभी ये नवरात्रि का सफल होना निश्चित है। तो अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा है या गलत। Thank you.
रखे Ah!
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
मैं महाकाली जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और मैंने आके जब फर्स्ट आरती अटेंड की थी तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ था ना कि मॉम के जाने के बाद में मुझे भगवान में बिल्कुल विश्वास ही नहीं था। मैं सोचता था कि मॉम इतनी पूजा पाठ करती थी और भगवान ने उनको इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया ये सब, और मैंने मंदिर जाना पूजा पाठ करना ये बंद कर दिया था। और फिर मेरे ऐसे ही 4-5 साल बहुत डिप्रेशन में गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अचानक ही मेरा काली माता जी की आरती में आना हुआ। एक्चुअली मैं वहाँ पर कुछ सामान छोड़ने आया था, तो उस टाइम में आरती स्टार्ट हो गई थी तो मैं भी रुक गया। जब मैंने यहाँ की आरती अटेंड की तो यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो मैंने फील की थी, तो मेरा मन न जाने क्यों तो मुझे यहाँ पर रोज़ खींच लाता था। तो पिछले साल मैंने यहाँ पर पूरे 9 दिन की आरती अटेंड की थी, और आरती अटेंड करते टाइम में मुझे मतलब थॉट आया कि मैं यहाँ की वीडियो डालूँगा तो उस पर अच्छे व्यू मिलेंगे कुछ इस टाइप का। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने यहाँ से फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करी। और क्या हुआ ना कि मेरा वो व्लॉग बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट व्लॉग के हिसाब से काफ़ी अच्छे व्यू गए, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मुझे मतलब बिलीव नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे व्यू थे उस पर। और जो पिछले साल की अगर नवरात्र से अब तक की मेरी लाइफ का अगर इम्प्रूवमेंट देखोगे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए। मेरी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, और फिलहाल तो वो सारी सॉर्ट हो गई है। मतलब मुझे फैमिली से कोई इशू ही नहीं है, ना मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। और मैं जैसी जॉब चाहता था वैसी ही जॉब मुझे मिल गई। मतलब मैं जो सोचता था ना सेम उसी टाइप की मेरे को जॉब मिल गई। तो एक साल में मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए
क्यों? क्योंकि मैंने उस आरती अटेंड करने के बाद, मतलब जो फर्स्ट आरती यहाँ की अटेंड की, उसके बाद मेरी लाइफ में इतने सारे चेंज आए। तो मैंने सोचा कि यार भगवान में न मानने से बेहतर है कि हमें भगवान को मानना चाहिए, उनमें अटूट विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने उस दिन, मतलब मैंने यही सोचा था कि आज मैं जो बोलूँगा अगर वो नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा, बट मुझे उस दिन है ना पता नहीं यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन थी उसकी वजह से पूरा भरोसा था कि मेरी लाइफ अब सब कुछ सही हो जाएगा। और अब मतलब मैं एक दिन नहीं रह सकते यहाँ कि, मतलब ये जो आरती है ना इसको बिना अटेंड करे नहीं रह सकते, मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करता हूँ, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में एक बार, तो सिर्फ एक बार यहाँ पर आके आरती अटेंड जरूर करें। और बाकी तो तुम्हारा भाई तुमको मोबाइल पे प्रोवाइड करा ही देगा। तो आप का अगर सपोज़ आना नहीं हो पाता तो आप प्लीज़ उसे हेडफोन लगाकर सुने कि आप उसको फील कर पाए यहाँ का। मैं माताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जो व्यूअर हैं ना, माताजी उनकी और उनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए और सभी पर आशीर्वाद बनाए रखिए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में हम बैतूल में विराजित सभी माता रानी के दर्शन करने चलेंगे। तो आप भी बने रहिएगा हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑन करके, ताकि हम नेक्स्ट व्लॉग जब भी अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें।